बुरा होता है सारे विश्व का छोटा सर और बुरा सर होगा, छोटा सर होगा बड़ा सर होगा छोटा होगा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जब कंचन काया शरीर होगा उस समय छोटा भी होंगे बड़े भी होंगे, उनका शरीर का कैसे परिवर्तन होगा? माना छोटों को परिवर्तन नहीं हो सकता, छोटे छोटे तो याद में और तीखे होते हैं, उनकी बुद्धि में कोई विकार भी नहीं होगा। छोटों को महात्मा कहा जाता है ऑलरेडी, और जो बूढ़े हैं उनका भी परिवर्तन हो जाएगा। ये जब फ्रीज होता है तो सारे शरीर फ्रीज होने के बाद नहीं तैयार होंगे, ये कंचन काया बनाने की एक बढ़िया तरकीब है। चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो लूड़ा लंगड़ा हो दांत विहीन हो नहीं तो भगवान की करामात को फिर कौन मानेगा? मूल बात तो हार्मोन्स चेंज होने की है। हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो स्त्री पुरुष बन जाती है और पुरुष स्त्री बन जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बूढ़े होंगे तो कैसे रिजुविनेट होंगे, बच्चे होंगे तो कैसे रिजुविनेट होंगे, सब परिवर्तन होगा। कोई लंबे समय के बाद परिवर्तन होंगे और कोई थोड़े समय में ही परिवर्तन हो जाएंगे। कोई लंबे टाइम तक बर्फ में दबे रहेंगे उनका शरीर फ्रीज हो जाएगा। बाबा जगदम्बा ही लक्ष्मी बनेंगे क्या? मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बोला गया है, नारी से जगदम्बा नहीं बोला गया है। कोई मुरली में बोला नारी से जगदम्बा बनेगी? मुरली में तो है क्या कि नारी से जगदम्बा बनना है? लक्ष्मी पांच जन्म में जगदम्बा थी ऐसा बोला। लक्ष्मी पांच जन्म में जगदम्बा थी? हाँ जी। तो वो जगदम्बा जो है वो आत्मिक रूप में एक जगदम्बा और एक शरीर रूप में जगदम्बा। ब्रह्मा सो विष्णु क्या है? जो ब्रह्मा है सो ही विष्णु बनता है। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जावे? तो किसको निमित्त बनाया? ओम राधे सरस्वती को निमित्त बनाया। तो वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा कौन हुआ? है ब्रह्मा हुआ। तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, बाकी जगदम्बा जिसका शरीर पूजा जाता है वो पुरुष तन नहीं है ब्रह्मा का, वो नहीं पूजा जाता है। जो स्त्री चोला पूजा जाता है वो महालक्ष्मी कही जा सकती है, लक्ष्मी का टाइटल नहीं मिलता। राज माता कही जाएगी, राज लक्ष्मी का टाइटल नहीं मिल सकता, क्योंकि जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनमें पुरुषपन के संस्कार समाये हुए हैं जन्म जन्मांतर के। तो जिनमें पुरुषपन के संस्कार समाये हुए हैं उनका चोला अंतिम समय में कौन से हार्मोन्स वाला हो जाएगा? पुरुष चोला हो जाएगा।
तो नारी चोला होते हुए भी जगदम्बा रुद्रमाला का मणका है, इसलिए नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकती। और बाबा आत्मा सो परमात्मा क्यों कहते हैं, इसका सही अर्थ क्या है? कोई एक आत्मा है सो परमात्मा बन जाती है, और वो परमात्मा के रूप में सारी दुनिया की मन बुद्धि में रमण करती है। इसलिए कहते हैं जहां देखो राम ही राम रमता है। सर्वव्यापी समझ लिया है, बाकी सब आत्माएं थोड़े ही परमात्मा बन जाती है। परम माने बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा एक होगा या सब होंगे? एक ही होगा। और बाबा एक ही शरीर में राम और कृष्ण दोनों का पार्ट चलता है, तो ए, वो जो कृष्ण का शास्त्र में दिखाते हैं कि गौओं को चराना माखन चुराना ये सब बात, और जो शिव का पार्ट है ये किस आत्मा का पार्ट ही है? शिव तो कोई पार्ट बजाता ही नहीं सिवाय ज्ञान देने के। जिसे मैं प्रवेश करता है उसकी कथा कहानी लिख दी है शास्त्रों में। तो पहले पहले किस में प्रवेश करता है, प्रजापिता में या ब्रह्मा में? ब्रह्मा में तो प्रवेश ही किया सन 47-46 में, जब से मुरली चलना शुरू हुई। उससे पहले मुरली चलती थी क्या ब्रह्मा के द्वारा? तो शिव की प्रवेशता ही नहीं हुई तो उन्होंने भगाया कहां से? इसकी कहानी है, प्रजापिता की कहानी है। और बाबा सीढ़ी के चित्र में कलयुग के अंत में जनसंख्या 5 करोड़ हो गए बोले लिखा गया है, और कहीं कहीं मुरली में 500-600 करोड़ बोले गए हैं, 700-750 करोड़ भी बोला गया है, 500-600 भी बोले गए हैं, 700-750 करोड़ भी बोला गया है। तो जो 200 करोड़ बढ़ गए वो है कीड़े मकोड़े मिशन, उनकी गिनती मनन चिंतन करने वाले मनुष्यों में नहीं है। इसलिए 500-550 करोड़ है मनुष्य, तो मनन चिंतन करने वाले मनु की औलाद है, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। तो ऐसे दो दो बातें क्यों हुई? इसीलिए तो नहीं समझा अभी तक, जो उनमें मनन चिंतन मंथन करने की ताकत ही नहीं है। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, पतंगे होते हैं, आए और मरे, ऐसे वो इस दुनिया में आते हैं और खलास हो जाते हैं। और अष्टम में जो आए थे अग्निदेव और कुबेर में, हाँ कौन कौन है उनके पार्ट, नाम बताने पड़ेंगे क्या? चित्र चरित्र का यादगार, हाँ चित्र चरित्र की यादगार है, चरित्र बजाने वाले हैं, बजाएंगे मैदान में आएंगे तो पार्टी भी बजाएंगे। बाबा हर जन्म की आत्मा का कहानी कैसे देख सकते हैं? मन चिंतन मंथन करने से, जो जितना आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेगा तो आत्मा सूक्ष्म होने के कारण मन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा, जास्ती मन चिंतन मंथन चलेगा आत्म की स्थिति में टिकेगा तो परमात्मा बाप साथ रहेगा। आत्म की स्थिति में नहीं रहते हैं अपन को आत्मा नहीं समझते हैं, देह समझते हैं, देह अहंकार में रहते हैं, तो मन चिंतन मंथन चल नहीं सकता, फिर अपने जन्मों का साक्षात्कार भी बुद्धि से नहीं हो सकता। बाबा वही जो प्रश्न पूछा था वो राम और कृष्ण दोनों एक ही शरीर में पार्ट बजाते हैं, हाँ जी, तो जो प्रजापिता की कहानी है वो गोपियों को भगाना मक्खन चुराना
शास्त्र में तो दिखाते हैं, गीता में भगवान कृष्ण को दिखाते हैं, वही स्वरूप को मानते हैं। जो कौन सी कृष्ण की कहानी है? शंकर कृष्ण की। दादा लेखराज के तन में जो पाठ बजाया उसकी कहानी है या अंतिम समय में जब 16,000 की संख्या संपन्न होती है उस समय की कहानी कथा कहानियां बनी है? अंतिम समय की कथा संपन्न स्टेज की कथा कहानी बनी है। तो चोला किसका होता है? प्रजापिता का। प्रजापिता का चोला होता है। कृष्ण वाली सोल तो उस शरीर के कनेक्शन में आने के बाद निराकारी स्टेज धारण करती है, नहीं तो वो तो सूक्ष्म शरीरधारी बन जाती है। लेकिन वो जो शास्त्र में दिखाते हैं उधर शिव का प्रेजेंस कुछ नहीं दिखाते, जो कृष्ण का चरित्र शास्त्र में दिखाते हैं बाबा तो कहते हो तो झूठी कथा है। गीता का भगवान कृष्ण है या गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है? शिव शंकर भोलेनाथ है। वो कथा का कुछ ब्राह्मण भी तो यही मानते हैं कि गीता का साकार में भगवान अगर कोई सच्ची पर होता है तो कौन होता है? दादा लेखराज ब्रह्मा को ही मानते हैं। लेकिन ऐसे है थोड़े, अंतिम संपन्न स्टेज की कथा कहानियां है शास्त्र में। अगर मान भी लें कि 300-400 यज्ञ के आदि में आई तो संपन्न स्टेज थोड़े ही है। और उनका क्या होगा? आत्मा चेंज होगी। रुद्रमाला के मणकों में जिनका चोला पहले से ही पुरुष है उनका क्यों चेंज होगा? जिनका स्त्री चोला होगा वो चेंज हो सकता है। स्त्री चोला होते हुए भी स्त्री चोले की जो वकत है वो नहीं कर पाए। आज की दुनिया में स्त्री चोला बिना किसी पुरुष का आधार लिए सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो कोई रुद्रमाला के मणके स्त्री चोला होते हुए भी इतने अहंकार में आ जाए कि आप अपनी सुरक्षा अपने आप कर लेंगे तो स्त्री चोले का विरुद्ध नहीं रखा ना। इसलिए उनके हार्मोन्स ही चेंज हो जाते हैं। बाबा शास्त्रों में कृष्ण की दो माता बताया गया है, एक कृष्ण देवी से जन्म लेता है और जसोदा से पालना लेती है, तो देवक की देवकी और जसोदा कौन है? देवताओं की माँ देवकी और एक है यशदा। क्या दा? यश महिमा देने वाली। जिसने महिमा नहीं दे पाई वो जेल में रही और जिसने महिमा दे दी यश प्रदान कर दिया वो जेल से बाहर दिखाई जाती है। ज्यादा मान्यता किसकी होती है? यशोदा की जास्ती मान्यता होती है। देवकी वसुदेव की मान्यता नहीं है क्योंकि विकारों की जेल में पड़े रहे। बालकृष्ण जैसी आत्मा की प्रत्यक्षता कर दी, प्रत्यक्षता के तो निमित्त बनते हैं लेकिन खुद पवित्र नहीं रह पाते हैं, इसलिए उनकी महिमा नहीं है। नंद यशोदा की महिमा है।
बाबा, जो सागर के पानी इतना खारा होता है लेकिन नदी का पानी इतना मीठा होता है। सागर है वो तो रुद्र का पार्ट है ना, जो रौद्र रूप धारण करता है, तो मीठी वाणी बोलेगा या खरी बात बोलेगा? कैसी बात बोलेगा? ऐसे झूठ की दुनिया में सबको झूठा अच्छा लगता है, मक्खनबाजी सबको अच्छी लगती है, सच्ची बात कह दो तो मिर्ची लगती है। इसलिए सागर को खारा दिखाते हैं। ऐसे नहीं हर जगह खारा ही खारा है, कहीं कहीं मीठा भी है। माने जो मीठे बच्चे हैं उनके लिए मीठा पार्ट है, और वो मीठे बच्चे थोड़े हैं या ज्यादा हैं? मुट्ठी भर हैं, पांच पांडव मिसल। तो मीठों के लिए मीठा और खारों के लिए खारा, क्योंकि खारे बहुत हैं, इसलिए खारा सागर बहुत है। बाबा, वो तो भक्ति मार्ग में ज्यादा देवियों को दिखाते हैं भक्ति के लिए, मतलब सब, लेकिन देवताओं को खूब कम दिखाते हैं। वो कलयुग में दिखाते हैं या द्वापर में दिखाते हैं? कलयुग में दिखाते हैं देवियों को, और द्वापर में प्रवृत्ति मार्ग के देवताओं को दिखाते हैं। तो कलयुग की महिमा लेनी ज्यादा श्रेष्ठ है या उससे जो ऊंचा युग द्वापर युग है उसकी महिमा लेना श्रेष्ठ है? भक्ति अच्छे रूप में कब होती है? द्वापर युग में सतो सामान्य और सतो रूप में भक्ति होती है, और कलयुग में भक्ति तमो प्रधान हो जाती है। इसलिए जब तमो प्रधान भक्ति होती है तो सिंगल पूजा करते हैं। सीढ़ी के चित्र में हनुमान की पूजा सिंगल दिखाई गई, गणेश की पूजा सिंगल दिखाई गई, देवियों की पूजा सिंगल दिखाते हैं, और कृष्ण की भी पूजा सिंगल दिखाई गई। जब रावण राज्य होता है तो रावण क्या करता है? सीता को पहले सिंगल बनाता है, राम को सीता से जुदाई दे देता है, अकेला जब पकड़ता है तो काम बन जाता है। तो भक्त लोग भी क्या करते हैं? जय माता दी। उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि जय माता जी के पीछे कोई पिता जी भी है। इसलिए मुरली में बोला है देवी के पुजारी है सब रावण संप्रदाय। कलयुग में आगे ये रावण संप्रदाय प्रखर हो जाता है। और बाबा, दाना खाक में गुले गुले जर होता है, तो उसका अर्थ क्या है? दाना माने बीज। कोई भी बीज बोया जाता है धरणी में, तो धरणी में बोने के बाद वो अपने अस्तित्व को मिट्टी में मिला देता है। जब मिट्टी में मिल जाता है तब पौधा खड़ा होता है। फूल खिलते हैं, फल लगते हैं। अगर बीज ने अपने को मिट्टी में न मिलाया होता, धरणी में मिक्स न किया होता, तो गुल अर्थात फूल न खिलते और फल न लगते। तो ऐसे ही जो बीज रूप आत्माएं हैं और उनमें भी जो खास राम कृष्ण को फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, वो राम कृष्ण अवतार धरणी पर दिखाई जाते हैं। वो धरणी का आधार लेते हैं, माना कन्या माताओं का आधार लेकर के चलते हैं।
और जो दूसरे धर्म के हैं, धर्म पिताएं कहो या जानवर अवतार कहो, वो जल का आधार लेकर के चलते हैं, धरणी का आधार नहीं लेते। जैसे कच्छ अवतार मच्छ अवतार ये ज्ञान के अहंकार के आधार पर चलते हैं। कन्या माताओं के आधार पर नहीं चलते, कन्या माताओं को उतना रिगार्ड नहीं देते, इसलिए वो निवृत्ति मार्ग के अवतार हैं। अवैतवाणी में पॉइंट आया है कि पहले स्व परिवर्तन, फिर साथियों का परिवर्तन, साथी माना आपस में चार पांच नहीं, दिल्ली वासियों का साथी बनाना है। दिल्ली वासियों को साथी बनाना है। हाँ जी। हाँ? तो फिर विश्व परिवर्तन। हाँ? दिल्ली वासियों को क्यों साथी बनाना है? दिल्ली वासियों को क्यों साथी बनाना है कि जितने भी आश्चर्य होंगे वो दिल्ली में धरना जमा के बैठे होंगे। राजधानी कहाँ स्थापन होनी है? दिल्ली में। तो दिल्ली के ऊपर राज्य करने वाले हुए ना, दिल्ली परिस्थान बनेगी तो राज्य कौन करेंगे? विधर्मी राज्य करेंगे या स्वधर्मी अष्टदेव राज्य करेंगे? स्वधर्मी राज्य करेंगे। तो उनको साथी नहीं बनाना पड़े, स्वर्ग में जाना है तो साथी बनाना पड़े, नहीं जाना है कोई बात नहीं, कन्वर्ट होकर के दूसरे देश दूसरे धर्मखंड में चले जाए। बाबा रावण तो चार दिखाया है सत्र में, रावण को चार दिखाया है। क्या दिखाया? रावण को चार 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 रावण दिखाया है सत्र में। वही रावण, रावण है महारावण है लक्ष्यशिला और सहस्त्रशिला रावण। जब राम ही रावण बन जाता है तो भरत शत्रुघ्न ये रावण नहीं बनेंगे। जो मुख्य बीज है चार धर्मों का, चार धर्म मुख्य है ना, उन चार धर्मों के मुख्य चार बीज है, उनमें मुख्य बीज कौन है? राम की आत्मा। उसी के लिए मुरली में बोल दिया राम रावण बनता है। और महिला वही उन्हीं में से चार में से। हाँ जी। और बाबा हमारा ये शिष्टाचारी संगठन बाहर की दुनिया की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से रजिस्टर नहीं किया जाता, फिर हमारा निश्चय पत्र क्यों बाहर की गवर्नमेंट की भ्रष्टाचारी संगठन का जो कोर्ट पेपर है? कोर्ट मानता है इसलिए। क्या प्रूफ है कि आपके बच्चे बने? पूछते हैं क्या प्रूफ है कि आपके बच्चे बने? आप तो अपना ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और मुरली में डायरेक्शन दिया हुआ है कि उनसे लिखा लो, जिनको निश्चय बैठता है उनसे लिखाई लेना चाहिए, पूरा एड्रेस लिखवाओ, नाम रूप देश काल सब लिखवाओ। तो डायरेक्शन पर तो चलना है कि नहीं चलना है? है? चलना है। हमारा तो प्रैक्टिकल ज्ञान है, कोई सुनने सुनाने का थोड़ा ही है। हाँ जी बाबा, ओटी और मूसल क्या है और इसके बीच जितने आकर पड़े सब रुद्र बाबा मंत्र के डाल। हाँ एक बार प्रश्न सुनो ध्यान से। हाँ भाई बाबा, ओटी और मूसल क्या है? ओखली और मूसल क्या है? हाँ जी, और इसके बीच में जितने आकर पड़े वो सब रुद्र बाबा। शिवलिंग और जलाधारी क्या है? माँ और बाप। माँ और बाप, जो माँ और बाप है वो बच्चे नहीं है क्या?
जो माँ और बाप का रूप है वो बच्चों का रूप नहीं है क्या? है ना? अच्छा फिर अब पूछना क्या चाहते हैं? ओखली और मुसल क्या है? ओखली का मतलब और मुसल का मतलब? ओखली का मतलब और मुसल का मतलब? ओखली का मतलब है जिसका आधार लिया जाए पिटाई कुटाई करने के लिए। मुसल का मतलब है जो पीटने वाला है, धुनाई कुटाई करने वाला है। चावल होते हैं जैसे आत्मा है ना, तो उन पे छिलका चढ़ा हुआ है का दे अभिमान का, जो दे अभिमान का छिलका है वो कैसे खत्म होगा? धुनाई पिटाई कुटाई चाहिए। उसको रावण की लंका भी दिखा दिया है, हनुमान ने पूंछ दिखाई दी है। वो तरीके हैं अलग अलग दिखाने के। हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई, शरीर रूपी वस्त्र बांध दिए गए उस पूंछ में, और लंका में जितना तेल था वो सारा उस पर उड़ेल दिया गया, और कामादनी की आग लगाई गई, तो रिजल्ट क्या आया? सारी लंका जल गई, हनुमान की पूंछ फिर भी नहीं जली। जो राक्षस हैं वो भाग खड़े हुए। और जगन्नाथ मंदिर में ऐसे जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र वो तीन मूर्ति जो है कौन कौन पार करे? राम कृष्ण और जगदम्बा। कृष्ण का तो शरीर नहीं है, उनको शरीर नहीं है और प्रवेश करके शरीर नहीं, उनका अपना शरीर नहीं है, तो रामकृष्ण को अलग अलग क्यों दिखाते हैं? जगदम्बा कृष्ण तो जगदम्बा का सूक्ष्म शरीर है। जगदम्बा कृष्ण तो एक ही पार्टधारी है। जगदम्बा और कृष्ण एक ही पार्टधारी है, अलग अलग आत्मा नहीं है। और शरीर शरीर में प्रवेश होकर अलग अलग पार्ट नहीं बजाते हैं। लेकिन तीन शरीर तो चाहिए। शरीर तीन नहीं चाहिए। राम कृष्ण की पूजा होती है तो दो शरीर होते हैं कि एक ही शरीर होता है? जो मंदिरों में मंदिर बने हुए हैं राम के अलग और कृष्ण के अलग, तो शरीर दोनों का अलग है कि एक ही है? वास्तविकता क्या है? अरे वास्तव में शरीर एक ही होता है या दो शरीर अलग अलग होते हैं? राम कृष्ण के जो मंदिर बने हुए हैं दो शरीर अलग अलग है। अरे जहाँ राम का मंदिर बना हुआ है या जहाँ कहीं भी कृष्ण का मंदिर बना हुआ है या नारायण का मंदिर बना हुआ है, वो शरीर अलग अलग है वास्तव में या एक ही शरीर होता है? एक ही शरीर होता है। स्त्री चोला तो अलग दिखाना ही पड़ेगा, तो सुभद्रा को स्त्री चोला के रूप में जगदम्बा के रूप में दिखाया गया है। सुभद्रा तो उनकी बहन थी ना, तो रुद्रमाला के मणके आपस में क्या है? स्त्री चोले के रूप में भाई बहन है, तो जगदम्बा हो गई सुभद्रा और बलभद्र हो गया राम, वो हो गया कृष्ण। और राम कहो कृष्ण कहो और नारायण कहो जैसे ना जब शिवबाबा शिवबाबा उसमें प्रवेश करते हैं इसलिए कि लेकिन तीनों शरीर तो अलग अलग है। तीनों शरीर अलग अलग भक्ति मार्ग में है ना कि ज्ञान मार्ग में अलग है? गणेश का एक मूर्ति था लेकिन कार्तिक का छह मूर्ति दिखाते हैं, उसका निशान क्या है? मुख्य धर्म जो विधर्मी है वो कौन कौन से है? मुख्य विधर्मी कौन कौन से हैं? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख, ये छह मुख्य धर्म हैं विधर्मियों में। वो जो कार्तिकेय वाली आत्मा है
जो ज्ञान की बहुत टिक टिक करती है वो छह धर्मों की बात है, छह मुख से बोलती है। कभी एक मुख से बोलेगी, कभी दूसरे मुख से बोलेगी, कभी तीसरे मुख से बोलेगी, इसलिए उसको छह मुख दिखाए। कहते नहीं दो मुंह आदमी है, दो मुंह से बात करता है, कभी एक बात करता है कभी दूसरी बात करता है। वो तो दो मुंह होते हैं और ये छह मुंह है। छह धर्मों में कन्वर्ट होता है तो छह तरह की बातें करता है। कैसे पावर आता है सब और बुद्धि में जैसे सब क्या मन बुद्धि जो है वो भी अगले जन्म में जाकर के तामसी बनती है या नहीं बनती है? मन बुद्धि भी तामसी बनती है। बाकी शरीर है जब बचपना है तो सत्व प्रधान है, जब पुराना होता है तो तम प्रधान बन जाता है। आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है और शरीर का कनेक्शन एक जन्म से। तो शरीर एक ही जन्म में चार अवस्थाओं से पसार होता है और आत्मा अनेक जन्मों में चार अवस्थाओं से पसार होती है। बाबा पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क चाहिए? पास होने के लिए 33%। बाप के जो अलग अलग बच्चे वो जहाँ जहाँ जन्म लेते हैं क्या उसका यादगार क्या वही हुई आसपास कोई होती है या अलग अलग? बाप के दो बच्चे अलग अलग हैं, अलग अलग जन्म क्या ना बाप की जो बच्चे हैं उसकी उन बच्चों का यादगार वही आसपास होती है या कोई दूर जन्म का दूर से होती है? यहाँ तो बच्चे आत्मा है न कि शरीर है। जो बच्चे आत्मा है और दक्षिण भारत में किसी ने जन्म लिया, किसी ने उत्तर भारत में जन्म लिया, तो जो जन्म लिया है वो शरीर का जन्म लिया ना, आत्मा ने शरीर का जन्म लिया ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे वो आत्मा दक्षिण भारत की है। आत्मा दक्षिणी भारत की है या शरीर दक्षिण भारत का है? शरीर दक्षिण भारत का है। आत्मा ने तो पता नहीं उत्तर भारत में पहले जन्म लिया हूं। तो आत्मा किसी धर्म की किसी देश की नहीं होती है। शरीर किसी देश या धर्म का हो सकता है? लेकिन जो पूजी आते हैं जो मंदिर बनता है आसपास में जो मंदिर बनता है किसके यादगार? उन बच्चों का यादगार ना और उस किसके यादगार? जो मंदिर बनता है वो उनकी पूर्वी सभ्यता की यादगार है, वो उनकी पश्चिमी सभ्यता की यादगार है। कृष्ण की आत्मा पश्चिम वालों से प्रभावित हो जाती है। कृष्ण की आत्मा कहो जगदम्बा की आत्मा कहो वो पश्चिमी सभ्यता से दिल्ली प्रभावित हो जाती है। इसलिए कृष्ण को पश्चिम में दिखाया है भारत के और राम को जगन्नाथ को पूरब में दिखाया है। और पूर्वी सभ्यता में सादा भोजन खाया जाता है और पश्चिमी सभ्यता में 36 प्रकार के भोजन दिखाए गए। वो खाने पीने में ज्यादा खर्च करते हैं, वो खाने पीने को उतना महत्व नहीं देते। जीना है किस लिए जीना है? जिंदा रहने के लिए जीना है।
क्या खाने के लिए नहीं जीना है और वो खाने के लिए जीते हैं, दुनिया जाओ भांडे में। बाबा प्रजा पिता वाली आत्मा ब्रॉड ड्रामा में कभी अकाले मौत में शरीर नहीं छोड़ती? अकाले मौत में शरीर छोड़ना, सुइसाइड करके शरीर छोड़ना और हत्या में शरीर छोड़ना और क्या कहते हैं ये एक्सीडेंट हो जाता है उसमें शरीर छोड़ना, ये पाप आत्माओं का काम है। क्या जो पुण्य आत्माएं होती हैं वो इस तरह के शरीर नहीं छोड़ती है, क्योंकि जो अचानक जिनकी मौत होती है उन्हें सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। क्या भूत प्रेत बनना पड़ता है, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत योनि में जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देव योनि में जाते हैं, जो भगवान को मानते हैं वो भगवान भगवती बनते हैं। कोई भी लड़ाई में वैसे अचानक शरीर नहीं छोड़ता, लड़ाई में शरीर छोड़ना वो एक अलग बात है, वो वीर गति को प्राप्त होने वाली बात है। लड़ते लड़ते किसी ने शरीर छोड़ दिया तो अंतर अंत मत सो क्या है कि हम इसके ऊपर विजय पाए। लड़ते लड़ते भाग खड़ा हो पीठ दिखा के भाग जाए और फिर पीछे से कोई गोली मार दे तो कौन सी गति अच्छी हुई? भागने वाली गति अच्छी हुई या लड़ते लड़ते मर जाने वाली गति अच्छी हुई? तो अंत मत सो गति हो जाती है, वो दोबारा फिर जन्म लेकर के फिर लड़ाई लड़ते हैं। जैसे कोई साइकिल पर चढ़ना सीखता है तो बार बार गिरता है, बार बार फट से चढ़ बैठता है साइकिल के ऊपर, तो क्या हारा कहा जाता है? है मन से कोई हार जाता है तो हार कहा जाता है, मन से हारे हार। ब्रह्मा जो हार्ट अटैक होंगे, वो क्या बड़ा पापात्मा है क्या? ब्रह्मा बाबा जो हार्ट अटैक में गई वो क्या पापात्मा है क्या? ब्रह्मा बाबा क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ, सूक्ष्म शरीर धारण किया, तो प्रभावित किससे होते हैं? ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा की सोल किससे प्रभावित होती है? विधर्मियों से प्रभावित होती है कि नहीं? यज्ञ के आदि से लेकर के अंत तक किसके प्रभाव में रहे? विधर्मियों के विदेशियों के प्रभाव में रहे, तो पश्चिमी सभ्यता में उनकी यादगार दिखाई जाती है। और भूत प्रेतों को विदेशी लोग मानते हैं या भारतवासी मानते हैं? अभी की बात छोड़ दो, अभी तो सारे भारतवासी विदेशी हो गए क्योंकि विदेशी सभ्यता को अपना लिया। आखिरी जन्म की बात छोड़ो, भारतवासी देवताओं को मानते हैं या भूत प्रेतों को मानते हैं? देवताओं को मानते हैं। जो विदेशी होते हैं उन्हें भूत प्रेतों की और फरिश्तों की मान्यता ज्यादा होती है। गीता में लिखा हुआ है भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत योनि में जाते हैं, मेरी उपासना करने वाले मेरी गति को प्राप्त होते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले देव गति को प्राप्त होते हैं। बाबा अजामिल महापापी किससे कहें? जो ज्यादा पाप करते हैं वो अजामिल जैसे, आजा मिल किससे मिल गए? अजमाने बकरी से मिल गए, तो किससे मिल गए? माया बेटी से कौन जाके मिल गया और माया बेटी का राज्य स्थापन करके चला गया? अरे कौन मिल के चला गया? दादा विश्वास ब्रह्मा। और बाबा रुद्रमाला के अपना भाई भाई है, रुद्रमाला के आत्मा भाई भाई है, और जब ये रुद्रमाला के आत्मा जब संबंध निचकुल के साथ संपर्क जुड़ते हैं, निचकुल के साथ संबंध जुड़ते हैं वैजयंती की माला, वैजयंती माला विजय माला के, तो ये जब रानी मक्खी निकलेगी तो उनके पीछे पीछे सब आत्मा भागेगी।
तो और सारे के सारे क्या भाग आएंगे ना, थोड़े रह जाएंगे। जो दूसरे धर्म के होंगे वो क्यों भाग आएंगे भाई? जब एक के आज में सूर्यवंशी चले गए तो कौन कौन से वंशी रह गए जिन्होंने ब्रह्मा का साथ दिया? इस्लाम में बहुत ही किसी सारे रह गए ना, तो उनमें जो ब्रह्मा के कुल के चंद्रवंशी होंगे वो विजयमाला में आवेंगे, या इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन दूसरे दूसरे धर्मों के वो भी आ जाएंगे? जो चंद्रवंशी प्योर पक्के होंगे ब्रह्माचारी वो ही आवेंगे, जो युति बनती है युगल बनेंगे वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में से बनेंगे या इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस में से भी बन जाएंगे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों के युगल बनेंगे, युगल जोड़े। बाबा हमारा जो धर्म ग्रंथ है गीता उसका नाम पड़ता है और मुसलमान इस्लामियों का वो कुरान नाम पड़ता है, हाँ जी, इससे माताओं का नाम क्यों पड़ता है? आधार लेते हैं ना, घर का घर परिवार होता है ना, घर परिवार तो इस्लामियों का भी होता है, मुसलमानों का भी होता है, क्रिश्चियंस का भी होता है और हिंदुओं का भी होता है, लेकिन घर परिवार चलाने के लिए पुरुष चला सकता है, बाल बच्चों की पालना कर सकता है, या स्त्री निमित्त बनाई जाती है? स्त्री निमित्त बनाई जाती है, तो ये भी एक तरह से परिवार है, क्रिश्चियन परिवार, मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार, देवताओं का परिवार, उस परिवार को संचालन करने के लिए कोई ना कोई हाँ माता का चयन करना पड़ता है। तो ये जो शिव के महावाक्य नहीं बोल करके इसको गीता क्यों बोला गया? ज्ञान का गीत है इसलिए गीता बोला गया। यह जो कार्ड धरी है कार्ड बदलने वाले और जिनका फर्स्ट पोजिशन डिक्लेयर होता है उसको ऑब्जेक्ट वैल्यू में क्यों डिक्लेयर होता है? सारी की वो ब्रह्मा की स्वरूप की वाणी होता है, अव्यक्त वाणी से डिक्लेयर होता है या क्लेरिफिकेशन से डिक्लेयर होता है? क्यों जो भी मुरली है वो मुरली से डिक्लेयर हो रहा है ज्ञान या क्लेरिफिकेशन से ज्ञान डिक्लेयर होता है? अव्यक्त वाणी से ज्ञान डिक्लेयर होता है या अव्यक्त वाणी की क्लेरिफिकेशन से ज्ञान डिक्लेयर होता है? चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, चाहे प्रोज हो चाहे पोएट्री हो, उसका असली अर्थ मिलता कहाँ से है? क्लेरिफिकेशन से। और क्लेरिफिकेशन करने वाला कौन है? कोई देहधारी मनुष्य है या सुप्रीम सोल है? सुप्रीम सोल है। अब बुद्धि किसी की देहधारी में लटक जाए तो इसके लिए क्या किया जाए? इसलिए बोला है राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंदर, और रामकृष्ण को ही ज्यादा महत्व देने लग पड़ते हैं। रामकृष्ण में ही अगर ताकत होती तो 63 जन्म में वो ताकत क्यों नहीं दिखाई? बाबा अभी एक मिनट उसको काम करना है ना, 9 धर्म है जो परमात्मा बाप से प्राप्ति करते हैं, इसीलिए नवग्रह कहे गए हैं। बाप का घर बनाने वाले ग्रह कितने हैं? 9। और 10वां तो घर बनाता है कि बिगाड़ता है? वो तो घर बिगाड़ने वाला है, लेकिन काम उससे लेना है कि नहीं लेना है? अभी काम किसका है? 9 तो फिर भी स्थापनाकारी है और 10वां तो एटम बम बनाने वाला और फोड़ने वाला है, इसलिए उससे काम लेना है तो उसको प्रत्यक्ष भी करना है।
बाबा अभी बाबा ने बताया आत्मा का कोई नेशनलिटी नहीं है। आत्मा का कोई नेशनलिटी नहीं है। अभी का सोल दक्षिण भारत का सोल भी उत्तर भारत में जन्म ले लिया है। दक्षिण भारत का उत्तर भारत में तो उनका कोई आत्मा का कोई नेशनलिटी नहीं है। आत्मा की कोई नेशनलिटी नहीं होगी। इंडियन सोल इंडियन आदमी दिमाग से शरीर छोड़ा। इंडियन आदमी बिना जाकर उनका शरीर छोड़ दिया। कहाँ शरीर छोड़ा? मतलब लंदन छोड़ा। तो उनका जन्म उसी जगह में होगा या इंडिया में? उनका लगाव जहाँ होगा वहाँ जन्म होगा। उनका लगाव जहाँ होगा, विदेश में किसी कन्या से लगाव लग गया होगा, कोई स्त्री से लगाव लग गया होगा, जिंदगी भर उसे याद करता रहा होगा। तो सात साल जन्म लिया, सात साल जन्म लिया। सात जन्म लेने की बात नहीं है। सात साल जल्दी जल्दी। हाँ, जल्दी और देर का हिसाब यह है कि जो संकल्प जितनी तीव्रता से चलाया जाता है वो उतना जल्दी फल देता है, और जो संकल्प जितना धीमी गति से चलता है वो उतना देर से जन्म फल देता है। बाबा, क्राइस्ट की जो आधारभूत आत्मा है और उसमें जो परम धाम से जो आत्मा प्रवेश करते है तो सत्ययुग में पाठ बजाते हैं। क्यों नहीं सत्य वो पाठ बजाएगी? कम करागा नारायण बनेगी। जो प्रवेश करने वाली आत्मा। हाँ, प्रवेश करने वाली आत्मा तो द्वापर में आती है। वो कहाँ आ जाएगी? वो क्या साकार को मानते है क्या? जो द्वापर में आने वाला क्राइस्ट है या इब्राहिम है, जो परम नाम से आता है, वो सतयुग में कैसे आ जाएगा? जो प्रवेश करने वाला बीज रूप आत्मा कैसे कहा जाता है? जो प्रवेश करने वाला आत्मा है उसको बीज रूप आत्मा कैसे कहा जाता है? वो सूक्ष्म बीज है, स्थूल बीज नहीं है। जैसे शिव है सूक्ष्म बीज और प्रजापिता है स्थूल बीज, ऐसे ही जो भी धर्म पिता है वो सूक्ष्म बीज है और उनके स्थूल बीज भी है। देता है कि जो अंत में तीन आत्मा थे वो क्या स्थूल बीज है ना सूक्ष्म बीज है? देता है कि अंत में जो तीन आत्माएं आती है, है? वो क्या सूक्ष्म बीज है ना स्थूल बीज? वो तो स्थूल बीज है। त्रेता में आ कैसे गए? अगर उन्होंने साकार को नहीं माना है अंत तक तो त्रेता के अंत में कैसे आ गए? अष्टदेव में। अष्टदेव में? अष्टदेव। अष्टदेव। बाबा, जब बिल्डिंग बनाया जाता है तो पहले फॉल्स डाल के उस पर छत लगाना पड़ता है। कच्ची छत बनाते हैं फिर पक्की छत डालते हैं। तो इसका ज्ञान से क्या कनेक्शन? बेसिक नॉलेज है कच्ची छत, एडवांस नॉलेज है पक्की, पक्का लेंटर। ये पक्का लेंटर पक्का ही बना रहेगा और कच्ची छत निकाल दी जाएगी। इसलिए आगे मुरली ने बोला आगे चल के सब सेंटर पर लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये शब्द ही उड़ जाएगा। गीता पाठशाला ही गीता पाठशाला रह जाएंगी जिनकी यादगार भक्ति मार्ग में बनती है गीता मंदिर गाँव गाँव में शहर शहर में। दिखाते हैं कि पांडव जब स्वर्गारोहण हुआ तब पांडव गल मरे और एक युधिष्ठिर ही स्वर्ग में गया, साथ में कुत्ता भी गया और बाकी सब गल मरे, बाकी सब फेलोर हो गए जा नहीं पाए। तो उसका प्रैक्टिकल ज्ञान के अंदर मीनिंग क्या है? युधिष्ठिर है कौन? मर जाए मगर बोलता रहे देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। देह भले चली जाए लेकिन काम करके छोड़ेंगे वो कौन हुआ? है ब्रह्मा किशोर। तो युद्ध में स्थिर है अभी कि नहीं है?
सुमित स्थिर है और युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। धारणा का राजा कौन है? आत्मा ब्रह्म की आत्मा तो धर्मराज युधिष्ठिर कही जाती है। जो धर्म को धारण करने वाला होगा वो देह सहित तो स्वर्ग में जाएगा। तो कौन सी देह के द्वारा स्वर्ग में जाता है? प्रजापिता की सेवन के द्वारा जीते जी स्वर्ग में चला जाता है। वो सत्य को बाद में स्थापन होगा और वो पहले ही जन्म ले लेता है। उस तरह की जो भी आत्माएं होंगी युधिष्ठिर जैसी युद्ध में स्थिर रहने वाली पक्की निश्चय बुद्धि, भले बेसिक नॉलेज में पक्की निश्चय बुद्धि रही हो तो राघव कुत्ता कौन है? है? कुत्ता कौन है? कुत्ता कुत्ता इस्लामी होता है। तो जो क्रिश्चियन होते हैं वो किसको पालते हैं? कुत्ता कुत्ते को पालते हैं। कृष्ण की आत्मा ने भी किसको पाला? ये किसी आदमी झगड़ा किस बात पे हुआ है? कुत्ते की वो ये झगड़ा हुआ सारा। बाकी सब पांडव कौन है? बाकी सब पांडव नंबर वन। तो स्वर्ग में क्या वही अकेला जाता है क्या? बाकी तो सब भी जाएंगे ना, साढ़े चार लाख तो शरीर में स्वर्ग जाएंगे। लेकिन ये बताया आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचे, कुछ ऐसे रहेंगे जिनको वापस जाना है आखिरी विनाश में। बाबा ब्रह्मा ने अपने संकल्प से सृष्टि रची, एक बार दो बार तीन बार चार बार, वो उसका टाइम कौन सा है समय में? कहां से कहां तक? चार युग है, चार युग में चार वर्ण होते हैं। चार वर्णों की शूटिंग का टाइम अलग अलग है या एक ही है? सत्य की शूटिंग, त्रेता युग की शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग और कलयुग की शूटिंग। अभी कौन सा चरण चल रहा है? कलयुग का अंतिम चरण। अंतिम चरण चल रहा है, अब इसके बाद कुछ नहीं होना है, लास्ट चांस है। बाबा ये तो अवगतवान चल रहा है अभी पूजा का जो चल रहा है। हां तो अब तक चल रहा है क्यों? तो मुसीबत आ रही है, तुम्हारा तो काम बन ही रहा है, तुम्हें तो नए नए पॉइंट्स मिल ही रहे हैं। बाबा अभी एक मिनट है, विष्णु के चित्र में जिनको लेफ्ट हैंड दिखाया गया वो रुद्रमाला के मड़के हैं या विजयमाला के मड़के? रुद्रमाला के मड़के। रुद्रमाला जो है भाइयों की है, जेंट्स की है या फीमेल्स की है? स्वभाव संस्कार से क्या है? जेंट्स है, इसलिए लेफ्ट में है विष्णु को दिखाया गया है। लेफ्टिस्ट भोजन बाबा इस धरती पर अभी आत्मा का दुनिया है, इस धरती पर अभी आत्मा का दुनिया है, लेकिन साइंटिस्ट ने वैज्ञानिकों ने और कितना कितना क्षेत्रों को फाइंड आउट किया है, दुनिया और फाउंड आउट किए। हाँ कहीं से दो चार मनुष्य को पकड़े? नहीं कोई तो पकड़ नहीं, दो चार प्राणी पकड़े। इसी तरह दुनिया है या नहीं? इसी तरह भी वो जो दूसरी दूसरी प्लैनेट और सब प्लैनेट है उस तरह कोई आत्मा का दुनिया है? एक पृथ्वी है जिस पृथ्वी पर ही इतना अंतर देखा जाता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें तीखी तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ने की वजह से वो हिस्सा दूर हो जाता है तो वहाँ कोई जीव जंतु नहीं होता। पृथ्वी का जो निश्चित दूरी जहाँ पर है वही जीव जंतु है, तो दूसरे ग्रह उपग्रह तो कितने दूर हैं और कितने नजदीक हैं सूर्य से, वहाँ जीवन होने का सवाल पैदा होता है। और जो सोलर सिस्टम है उस तरह भी सूर्य है?
उस तरह की प्लैनेट है। ये मनुष्यों की आविष्कार की गति है। मनुष्य आज एक आविष्कार करता है, कल दूसरा मनुष्य उस आविष्कार को झूठा साबित कर देता है। एक मनुष्य आविष्कार करता ने थ्योरी निकाली, मनुष्य पहले बंदर था, डार्विन थ्योरी, बाद में वो थ्योरी दूसरे वैज्ञानिकों ने झूठी साबित कर दी। तो मनुष्यों में तो है ही झूठापन, उनकी तो बात ही छोड़ दो। वैज्ञानिक ये कहते हैं, वैज्ञानिक वो कहते हैं, उन पर अपार श्रद्धा जो बैठी हुई है वो हमारी मेंटेलिटी की बात है। अपार श्रद्धा किसके ऊपर बैठनी चाहिए? भगवान के ऊपर बैठनी चाहिए। घंटा क्यों दिखाते हैं? कोई प्रत्यक्षता करने वाला घंटा होता होगा? घंटे ज्ञान का होता है, ज्ञान का घंटा होता है ना। हाँ जी, शिवलिंग के ऊपर ही नहीं घंटा दिखाते हैं, मंदिर के बाहर भी ढेर सारे घंटे दिखाए जाते हैं। भक्त आते हैं तो घंटा बजाते हैं, मम्मी पापा जाग जाओ हमारे। बाबा राम ने बंदरों की सेना ली। हाँ जी, तो एक दिन उसमें जो रामायण में दिखाते हैं तो भल्लू दिखाते हैं, है? तो भालू भी दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो की कौन सा पांच विकारों में भरा हुआ है बंदर के अंदर? पांच विकारों से भरे पूरे होते हैं बंदर, लेकिन देह अभिमान से भरा हुआ होता है भालू। बाल ही बाल होते हैं उसको। जो सिख धर्म है वो कौन से धर्म वालों से टक्कर लेता है? मुसलमान और क्रिश्चियन से। ये बंदर नहीं टक्कर ले सकते, न टक्कर ली है उन्होंने। ज्यादा बलिदान किसने किए? सिखों ने ज्यादा बलिदान किए। क्यों? क्रिश्चियन से टक्कर लेने के लिए लोहे से लोहा टकराना चाहिए। बाबा एटॉमिक बम पढ़ने से पहले कोई दूसरे ग्रह पर कहीं जाकर उसको कोई बच सकते हैं? हाँ, जाओ जाओ ढूंढो। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। तो भारतवासियों का हिसाब है। अरे रूस और अमेरिका वाले सोचे महाशक्तियां कि हम दूसरे ग्रहों उपग्रहों पर जाके प्लांट खरीदेंगे, उनका तो ठीक है। और हिंदुस्तानी लोग सोचे कि हम दूसरे ग्रह उपग्रह खोज करेंगे फिर वहाँ प्लांट खरीदेंगे, वो बच सकते क्या है? वो अमेरिका और रूसियों ने जाकर वहाँ बच सकते क्या? अरे ये सब बातों में बुद्धि क्यों जाती है? जब एक ही बार बता दिया कि दूसरे ग्रह उपग्रहों में कोई जीवन नहीं है, ये फालतू वेस्टेज ऑफ टाइम मनी और एनर्जी कर रहे हैं। बुद्धि का कचूमर निकाल रहे हैं। जब एटॉमिक वॉर का प्रारंभ निकल जाएगा तो फिर आप बचेंगे कहीं पर? क्या होगा? उसको एक मुर्गी का अंडा मिल गया कहीं से, तो अंडा लेकर के बहुत खुश हुआ कि अंडे में से मुर्गी निकलेगी, मुर्गी बेचूंगा तो मुर्गी बेच करके फिर ढेर सारे बच्चे पैदा होंगे।
उन सबको बेच करके फिर बकरी खरीदूंगा, बकरी के ढेर सारे बच्चे पैदा होंगे, फिर मैं भैंस खरीदूंगा, भैंस के ढेर सारे बच्चे पैदा होंगे, फिर मैं हाथी खरीदूंगा, तब तक लगी ठोकर। सो हिसाब है कृष्ण को आठ जगह से टेढ़ा दिखाते हैं, आठ पटरानियां मिली होंगी, पटरानियां पट माने जो पट में गिर पड़ती है पुरुषार्थ करते करते, क्या एक गिरी तो जब नीचे गिर जाएगी तो कृष्ण की महिमा करेगी या ग्लानी करेगी, कोई एक पटरानी गिरेगी तो महिमा करेगी कृष्ण की या ग्लानी करेगी, ग्लानी करेगी, फिर दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी, आठ हो गिरी तो आठ जगह से हड्डियां तोड़ दे। तो अष्टावक्र की गीता गाई हुई आठ जगह से टेढ़ा दिखाया जाता है, उनके तीन मुख्य हैं, इसलिए तीन जगह से त्रिवंगी लाल कहा जाता है कृष्ण को। बाबा तो साइंस वालों को एस्ट्रोलॉजर वालों कैसे समझा जाए जो उनका बाप का ऊपर डिसीजन बैठे हैं, साइंस और एस्ट्रोलॉजर वालों को कैसे समझा जाए जो उनको बाप का ऊपर डिसीजन बैठे हैं। सूर्य ज्ञान ऐसा है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में ये साबित हो जाएगा कि ईश्वरीय ज्ञान ही सच्चा है, एस्ट्रोलॉजर कहेंगे यही ज्ञान सच्चा है, जो साइंटिस्ट हैं वो कहेंगे नहीं ये ईश्वरीय ज्ञान ही सच्चा है, जो हिस्टोरियंस हैं वो कहेंगे नहीं ये ईश्वरीय ज्ञान ही सच्चा है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ईश्वरीय ज्ञान सच्चा साबित होगा। बाबा सीढ़ी के में जो दुर्गा दुर्गा का चित्र है और सोमनाथ मंदिर का चित्र है वो सीढ़ी के बाहर में क्यों दिखाई देते हैं? सोमनाथ का मंदिर जो बनता है उसका नाम क्या पड़ा? सोमनाथ, किसको नाथने वाला? चंद्रमा को नाथने वाला। चंद्रमा कौन है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो उसकी जो यादगार बनेगी भक्ति मार्ग में तो यादगार की जो बात है वो किसकी बुद्धि में आएगी? चंद्रमा की बुद्धि में आएगी, राजा विक्रमादित्य की बुद्धि में आएगी या कोई और की बुद्धि में आएगी? उसका जो बाप था, क्योंकि सतयुग त्रेता में बाप ही वजीर होता है, पीरू वजीर, बाप भी होता है और बच्चे को रास्ता दिखाने वाला वजीर भी होता है, तो आखिरी जन्म में त्रेता में जाकर के वो प्रजापिता वाली आत्मा बाप भी व्यक्ति है और उसका वजीर भी होता है, इसलिए सोमनाथ का आधा हिस्सा जो है वो दिखाया गया है। और डूबीजा डूबीजा का अर्थ हाँ सागर में डूबोते हैं ना, हाँ तो जब ज्ञान सागर बाप प्रत्यक्ष होगा तो उसके ज्ञान जल में ये सब देवियां सब डूब जाएंगी, गणेश का ज्ञान भी डूब जाएगा, हनुमान का ज्ञान भी डूब जाएगा, सब जितने भी धर्म गुरु है देवियों से सब डूबो दिए जाएंगे, एक सच्चा और बाकी सब झूठे साबित हो जाएंगे। सीढ़ी के बाहर क्यों दिखाया? सीढ़ी तो बाहर दिखाया है, सागर बाहर है लेकिन सीढ़ी अंदर है, जो सागर का पार्ट बजाने वाला है उसकी बुद्धि दुनिया में रमी रहने वाली है जन्म जन्मांतर, या डिटैच रहने वाली बुद्धि है? डिटैच रहने वाली बुद्धि है, आत्मिक स्टेज वाली बुद्धि है, तो जो आत्मिक स्टेज वाली बुद्धि होगी
डिटैच होने वाले सागर की मान दो। बाबा मुरली में बोले गए कि ये सत्ययुग में दास दास बनते हैं। सत्ययुग में हर पिता माता तो अपने बच्चे के लालन पालन क्षेत्र में तो दास दास ही बनते हैं ना, तो ये दास दास क्यों बोले गए हैं? बाबा जो कुछ भी बोलते हैं वो संगम युग का लक्ष्य देते हैं, स्वर्णिम युग का या सत्ययुग त्रेता का लक्ष्य देते हैं? तो हमने समझ लिया है कि बाबा ने हमें मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य दिया है वो सत्ययुग के लिए दिया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ये बात आएगी कि सत्ययुग के लिए लक्ष्य दिया है, लेकिन हमारी बुद्धि में क्या बात बैठी हुई है? स्वर्णिम संगम युग में हम प्राप्ति करते हैं, तो वहां की तो बात ही नहीं है। बाबा हाँ? जो रामायण लिखा हुआ राम लक्ष्मण दोनों को सतबंधन है, माया किसी को छोड़ देती है क्या? सर्प किसे कहा जाता है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही नहीं, कोई सर्प कहा जाता है? माया। हाँ बाबा, जो एस्ट्रोलॉजर वाले को समझाने के लिए कौन सा पॉइंट चाहिए इसी आधार पर समझे? एस्ट्रोलॉजर वाले को समझाने के लिए कौन सा पॉइंट चाहिए इसी पॉइंट इसी आधार पर समझे? किनको समझाने के लिए? समझने के लिए, समझाने के लिए। एक ही पॉइंट है, नष्ट हुआ स्मृति लब्धा, देह देह के संबंधों और देह के पदार्थों से नष्ट बुद्धि होंगे, पूरे संगठन में उनको टैली करके देख लिया जाए, उनकी बुद्धि खाने पीने की चीजों में नहीं लगी हुई होगी कि अम्मा बाप से हम पैसा मंगा लें, ये चीज खाएं वो चीज खाएं, ये चीज मंगाएं वो चीज मंगाएं, उनकी बुद्धि लगी होगी ईश्वरीय सेवा में आदि से लेकर के और अंत तक। जिनका ईश्वरीय सेवा का स्टॉक बहुत ज्यादा होगा वही अष्टदेव में आवेंगे, थोड़ा स्टॉक होगा तो अष्टदेव में नहीं आ सकते। और सबसे पहली परीक्षा है कौन सी? नष्ट मोहा स्मृति, इस दौड़ में वो सबसे आगे होंगे। चलो ओम शांति।